हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आलू और सूजी का काटलेट फटाफट मिनटों में कैसे बनाते हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं। पहले हम लेंगे उबला हुआ आलू। आलू को मैंने देखिए उबाल के कद्दूकस कर लिया है इसे, और उसके बाद मैंने कढ़ाई में देखिए थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। तो मेरा जीरा भी अब चटक चुका है, देख सकते हैं आप, जीरा मैंने डाल दिया है। तो अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप मसाले डालेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें तो आपको अच्छा लगेगा। तो हम इसमें अब मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले मैं मसाले डालूंगी, जीरा पाउडर लिया हुआ है, हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर। अब इसको थोड़ा सा हम चला देंगे, जीरा पाउडर मिक्स कर दिया मैंने ऑयल में। अब इसके बाद मैंने ये थोड़ा सा लिया हुआ है, आधा चम्मच से भी कम, अदरक का पाउडर। अदरक का पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप अदरक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। मैंने अदरक का पाउडर ले लिया है, और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर लिया हुआ है, ये भी आधा चम्मच का लिया हुआ है मैंने। अब मैंने इसे मिर्ची पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी, एकदम थोड़ी मात्रा में, आधा चम्मच से भी आधा, थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल देंगे, जो हमारा कलर थोड़ा सा अच्छा आए। और हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, जो कि हल्का खट्टा खट्टा लगे, नींबू का रस डाल दिया मैंने इसमें। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, मैंने नमक भी डाल दिया इसमें। अब इसे थोड़ा फ्राई होने देते हैं। अब देखिए ये मसाला मेरा फ्राई हो चुका है, तो हम इसमें ये जो कि मैंने कद्दूकस करके आलू डाला हुआ था रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब पहले से देखिए थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, तो हम इसमें मैंने थोड़ा सा बादाम और थोड़ी सी किशमिश ली हुई है, ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि फट जाएगा। तो मैंने थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी बादाम ली हुई है। अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए फ्राई कर देंगे 2 मिनट तक। देखिए अभी अच्छे से मिक्स होके मैंने 2 मिनट तक इसे फ्राई कर लिया है। अब मैं गैस बंद करके इसे 2 मिनट तक थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद हमें इसे कैसे काटलेट बनाना है वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जब तक मेरा आलू ठंडा हो रहा है तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। जब तक मैंने कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ, मैंने कढ़ाई में रिफाइंड डाल दिया है। आप जो ऑयल यूज करते हैं आप उसमें भी इसे बना सकते हैं, मैंने रिफाइंड डाल दिया है यहाँ पे। और मेरा आलू अब ये ठंडा हो रहा है, ये आलू मेरा जब तक ठंडा हो रहा है, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ये मैंने आधा चम्मच लगभग अरारोट लिया हुआ है, इसे हम इसमें डाल देंगे कटोरी में। कटोरी में डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, इतना सा, ज्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसे मिक्स कर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लें क्योंकि ये लस हो जाता है। तो हम इसे अच्छे से, मैंने इसे मिक्स कर लिया, और देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ये टोस्ट लिया हुआ है रस, ये मैंने रस लिया हुआ है। एक चार पे हम एक रस यूज करेंगे, ये रस को मैंने पीस लिया हुआ है। और ये मैंने एक चम्मच सूजी ली हुई है, चार में एक चम्मच लें, अगर आप 8 बनाते हैं तो 2 चम्मच। और मैंने ये जो कि रस देख रहे हैं सिर्फ एक ही मैंने इसे मिक्स किया हुआ है, तो हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसे हमारा काटलेट करारा बनेगा, मैंने इसे मिक्स कर दिया है। और ये आलू देख रहे हैं आप, अब इस आलू को हमें ऐसे लेना है, अगर आप गोल बनाना चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं, अगर सिलेंडर आकार का बनाना चाहते हैं तो वैसा भी बना सकते हैं। मैंने इसे ऐसा बना लिया है। अब हम इस अरारोट में इसे मिक्स कर देंगे ऐसे, और फिर इस सूजी में ऐसे इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ऊपर से भी इसे अच्छे से पूरा इसमें आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कि सूजी और रस है इसमें अच्छे से मिल जाए। इसे मैंने कर दिया, और इसे अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई फ्राई कैसे करते हैं, मैंने इसे बना लिया है, अब मैं इसे तेल में डाल देती हूँ।
मैंने इसे तेल में डाल दिया है। अब मैं इसे फ्राई होने दूंगी। अब इसे आप एक मिनट में पलटा दें और इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 मिनट लगेंगे। 3-4 मिनट में इसका कलर सुनहरा हो जाएगा, एकदम गोल्डन हो जाएगा। फिर आप इसे निकाल के, तो इसे हम पकने देते हैं 2 मिनट और। ये देखिए अब हो रहा है, ये धीरे धीरे ये गोल्डन कलर हो रहा है, बस अब ये होने वाला है। अब देखिए ये हो चुका है, एकदम गोल्डन कलर हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक एक करके सबको। अब आप इसे चाव से खा सकते हैं काटलेट को, मीठी सॉस के साथ, तीखी सॉस के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, चाय के साथ। बहुत अच्छा नाश्ता है काटलेट, जल्दी बन जाता है, तो गर्मा गर्म इसे खाइए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।